देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम यहां मौजूद हैं जवाहर कला केंद्र में, जहां पर पांचवा जयपुर का कला महोत्सव लगा हुआ है। जो यहां पे राजस्थान भर के बहुत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने भाग लिया है और ये राजस्थान का पांचवा है। जवाहर कला केंद्र में ये पांचवी बार रखा गया है। इसमें यूनिवर्सिटी का काफ़ी योगदान है और यूनिवर्सिटी से हमारे फाइन ऑफ आर्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ से काफ़ी स्टूडेंटों ने भाग लिया है और काफ़ी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने यहाँ काफ़ी कलाकृतियाँ पेश भी की हैं और जो आपको आप देख भी सकते हैं। तो इसको लेकर के हम आए हैं और तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर अलग तरीके के जो आउटलेट्स हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड, जैसा कि हम आपको एक बार दिखा देते हैं। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगी कि आप एक बार सारे जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर, जो आउटलेट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, उसका एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो कि आप यहाँ पर आकर खरीद भी सकते हैं, सेल करने के लिए भी यहाँ पर है। और साथ ही यहाँ पर जो जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर ये स्टॉल्स लगाई हैं, जो आउटलेट्स लगाई हैं, वो यहाँ पर एक्चुअली अपने आर्ट को यहाँ पर इनक्रेज कर रहे हैं। मतलब जो ये कला महोत्सव है जो यहाँ पर है, वो इन सब आर्टिस्ट की जो आर्ट है उसको एनकरेज कर रहा है, उनको दिखा रहा है कि इतने मतलब टैलेंटेड जो लोग हैं हमारे जयपुर में देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान के निवासी हैं और रंग बिरंगी निराली राजस्थान की संस्कृति है। इस संस्कृति में प्राण भूत तत्व कला में बिखरे हुए हैं और उन सार तत्व को, राजस्थान का गौरवशाली जो इतिहास है, आत्मा है, उन सब के बारे में आम जन को परिचित कराएं। और जयपुर तो निराला शहर है, इसके अंदर आम जन को राजस्थान में जोर और राजस्थान में बुला करके आकर्षित करके और विश्व स्तर तक राजस्थान की महिमा को बनाए रखना हमारा मूल उद्देश्य है। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये आए हैं ये कलाकृति को देखने के लिए कि कितना सुंदर जो आपको यहाँ पे आर्ट देखने को मिलेगा लोगों के बीच में। अब जो इस स्टॉल की, जो आउटलेट की जो ऑनर है, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या मोटिव है यहाँ पर इस स्टॉल को लगाने का। स्टॉल को लगाने के लिए बच्चों को उत्साह कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत गाँव से छोटी जगह से बच्चे हैं यहाँ, मतलब इस जगह लाने का हमारा यही मोटिव है कि यहाँ आकर ये सभी चीज़ को देखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो मैम, जैसे आपने यहाँ पर सभी तरीके की आर्ट लगाई हुई है, सभी तरीके की पेंटिंग लगी है, तो किस किस पेंटिंग को यहाँ पर आप इनक्रेज कर रहे हैं, किस टाइप की पेंटिंग यहाँ पर मैक्सिमम आप लोग इनक्रेज कर रहे हैं, शेयर आउट कर रहे हैं? ये मतलब सभी चीज़ें हैं, ये हमारा पेपर वर्क भी है, कैनवास भी है, पेन से काम है कुछ इसमें, मतलब जैसे अब ये है माँ के लिए लगाया बनाया हुआ इसका, तो ये माँ है, इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है, ये उर्दू में, ये हिंदी में लिखा हुआ है, चारों तरफ माँ है, बीच में इसमें मान लिखा हुआ है कि माँ का हमेशा मान रखा जाता है। इसका गोले का मतलब है कि ऑल ओवर हमेशा साई की तरह हमारे साथ रहती है, सभी के साथ, तो इसका मोटिव ये है। यहाँ भगवान बुद्धा को दिखाया गया है, मतलब सबका पेंटिंग का अलग है। ये हमारा लोगो वेदांता का, इस चीज़ ये लोगो है, यहाँ उर्दू में वेदांता लिखा हुआ है, तो ये सभी चीज़ें, मतलब भाषा भी है यहाँ हिंदी, इंग्लिश और उर्दू को सभी को शामिल किया गया। कुछ कलर को चूज़ किया गया कि सभी कलर रंगीन होती है ज़िंदगी के अंदर, जैसे जैसे उसी हिसाब से इन सब चीज़ों को दिखाया गया। मैम, आप ये जो आउटलेट लगाने आए हैं, ये बेसिकली आप किस कॉलेज से आए हैं? ये वेदांता कॉलेज रिंगस सीकर से हैं हम, और ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है, आपने नाम भी सुना होगा इसका। तो बेसिकली आप यहाँ पर आज आए हैं, तो आपका आपके इस ग्रुप के कितने मेंबर्स हैं जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं स्टॉल के साथ? यहाँ हम 4 टीचर हैं और 40 के समथिंग हमारे बच्चे, लगभग 40 के समथिंग इतनी ऐसे स्टूडेंट हैं, तो सभी की पेंटिंग यहाँ है। आपका नाम? राजेंद्र चौधरी। सर, आप यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा फील हो रहा है, क्या वाइब्स आ रही हैं आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जो भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, उसका यहाँ देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क है
देश के सारी यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स आए हैं, मैंने सब स्टॉल्स पे देखा है, बहुत अच्छा आर्ट वर्क है और स्टूडेंट्स भी काफ़ी उत्साहित हैं अपने आर्ट वर्क को लेके। और मैंने दो स्टूडेंट से बात भी की है तो उन्होंने यही बताया कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे और भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं तो आपको यहाँ का आने का रेफरेंस कहाँ से पता चला कि आपको यहाँ आना चाहिए? क्या चीज़ ऐसी आपको अट्रैक्टिव लगी कि आप यहाँ पर मौजूद हैं आज आपको देखने के लिए? मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और अभी मेरे जो जूनियर हैं उन्होंने मेरे को बताया था कि सर ऐसा भैया ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो आप हमारे वहाँ विजिट करें। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ साथियों ने भी यहाँ आर्ट वर्क की अपनी लगाई है तो उनका काम देखने ही मैं यहाँ आया। तो हम यहाँ मौजूद हैं एक और क्राफ्ट की और आर्ट की स्टॉल पर, आउटलेट पर। देखिए, इनसे जानते हैं इनके ओनर से कि कैसा क्या इनको मोटिव रहा है यहाँ पर आने का। मैं आपका क्या मोटिव रहा है यहाँ पर इस आउटलेट को लगाने का? हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो आता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हम स्टूडेंट हैं और हम लोगों ने जो भी अपने आर्ट जर्नी के दौरान जो हमने काम किया है उसमें से कुछ काम हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। बेसिकली मतलब ये होता है आर्टिस्ट को चाहिए क्या होता है अपने काम को बताने के लिए कि हम ये करते हैं हम ये करते हैं। आर्टिस्ट बेसिकली सोसाइटी का हिस्सा होता है, ठीक है, सोसाइटी में जो भी वो चीज़ देखते हैं उनको वो बनाते हैं और वही सब लोगों को दिखाते हैं कि देख लो आप ये हो रहा है हमारे आर्टिस्ट के लिए। तो जैसा कि आपने डिस्प्ले लगाया है तो इससे आपको क्या यहाँ पर आकर क्या वाइब्स आ रही हैं देखने की, देखने को मिल रहा है आपको? ये हमें नया नया काम सीखने को मिल रहा है क्योंकि एक आर्टिस्ट कोई एक काम तो करता नहीं है, सबके अलग अलग वर्क्स होते हैं। तो कितने सारे वर्क्स यहाँ पे डिस्प्ले हैं देखिए आप, सबके अलग अलग तरीका है करने का। हमें भी सीखने को मिलता है कि हमें ऐसा भी काम करना चाहिए। तो हम ये मौजूद हैं एक और आउटलेट के अंदर जहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन आपको मिलेगा देखने को ड्राइंग्स का, पेंटिंग्स का। तो हम इसे जानेंगे यहाँ के ओनर से कि कैसा क्या मोटिव रहा है इनका यहाँ पर आने का, इस स्टॉल को, इस आउटलेट को लगाने का। सर, थैंक यू सो मच मैम, हम पहली बार यहाँ राजस्थान में आए, बहुत ही अच्छा लगा हमको। हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एग्जीबिशन होगा और इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग होगी। हमने बहुत सारी पेंटिंग को बहुत अच्छी, मतलब सभी तो अच्छी है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम खुद को गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसा एग्जीबिशन देख पाए। सर, आप यहाँ पर आए हैं तो आप यहाँ पर आकर कौन सी टाइप ऑफ आर्ट है जिसको आप यहाँ पर आकर प्रमोट कर रहे हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे महाराष्ट्र आर्ट है जिसे वारली आर्ट कहते हैं, जो हमारे यहाँ आदिवासी है, मतलब हम भी आदिवासी है तो हमने इसको एक अलग तरह से जिसलिए आप देख सकते हैं ये मतलब पूरे पहले के ज़माने में ये नेचुरल टोन यूज़ करते थे उसी टाइप से हमने बनाए, लेकिन हम आर्ट स्टूडेंट हैं तो हमारे हिसाब से हम इसे कैसे दिखा सकते हैं ये सब हमने यहाँ पर दिखाया है। सर, आप बेसिकली कहाँ से आए हैं यहाँ पर आउटलेट लगाने के लिए? हम महाराष्ट्र से है, मुंबई, बॉम्बे और पालघर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग हैं। तो हम यहाँ एक और आउटलेट पे मौजूद हैं, यहाँ की जो इनकी जो पेंटिंग्स है बहुत खूबसूरत है हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम इनसे जानेंगे, इनके ओनर से जानेंगे कि क्या मोटिव है यहाँ पर इनका इस आउटलेट को लगाने का। एक्चुअली क्या है ना कि हमारी इंडिया में थोड़ी आर्ट है वो थोड़ी लिमिटेड है ना, और मैं चाहती हूँ कि जो आर्ट की मैं हर लिमिट को मतलब बता रहा कि एक लिमिट से बाहर बनाना चाहती हूँ। तो मैंने अपनी खुद की इमेजिनेशन मतलब बताया चीज़ों को मैं कैसे देख रही हूँ, है ना, उन चीज़ों में मैं क्या, मुझे क्या दिख रहा है। जैसे ना कि ये एक रियल था, मैंने इसमें क्या देखा, मैं क्या बनाना चाहती थी तो मैंने उसको यहाँ बनाया, है ना। ये सब रियल थी जिनको मैं क्या देख रही हूँ, जो चीज़ वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है कुछ चेंज वो सबसे मतलब थोड़ा अलग है ना, तो मैंने उस अकॉर्डिंग चीज़ें की। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप रियल जो थिंग्स होती हैं उनको अपनी आर्ट में पेश करती हैं, तो आपका बेसिक जो आइडिया होता है आर्ट को बनाने का या जो टाइप होता है आर्ट को बनाने का बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड होता है, क्या कौन सी टाइप ऑफ आर्ट से उसको रिप्रजेंट कर रही हूँ? मैक्सिमम जो हमारे जो आइडियाज़ है वो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी में चल जाते हैं और कुछ सूरियलिस्ट आर्ट है, मतलब चीज़ों को अलग मतलब कुछ और ही बना देना मतलब, है ना। तो ये मेरे बेसिक आइडिया है। मैम, जैसे कि आपके पीछे जो एक पेंटिंग लग रही है जिसमें लेडीज़ हमको दिखाई दे रही है, तो बेसिकली इस आर्ट के पीछे का क्या आपका आइडिया रहा है? मैम, ये ट्राइबल वुमेंस है ना, तो आज भी हम जानते हैं कि हम
सिटी लाइफ से और ट्राइबल वुमेंस की जो लाइफ है, मतलब सभी की जो ट्राइबल लाइफ है वो डिफरेंट है। तो ये लिखा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमें कह रहे हैं कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले करो। तो ये सब औरतें यही मतलब ऐसा ना, इनका जो मोटिव है इस पेंटिंग में आ रहा है इस मैसेज से कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले करो। जो तो आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम है, जैसे कि आपने देखा कि ये जवा आर्ट कलेक्शन आर्ट महोत्सव है, तो आप ये वहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तो आप यहाँ पर आए तो आपको कैसी क्या वाइब्स यहाँ पर देखने को मिलती? टोटल एनर्जेटिक पॉजिटिव वाइब्स, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम जैसा कि आपने यहाँ पर अपनी आर्ट कलेक्शन लगाई है, तो आपको लोगों से क्या रिव्यू देखने को मिले? मुझे पॉजिटिव ही मिले हैं, क्योंकि जैसा मतलब होता है ना कि ज़रूरी नहीं है लोगों के शब्दों से पता चले, लेकिन जब वो चीज़ों को देखते हैं, आपकी आर्ट देखते तो पता चल जाता है कि उनकी आंखों में एक एडमिरेशन है, उनको अच्छी लग रही है आपकी, तो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट करती है। मैम आप यहाँ पर बेसिकली जयपुर से ही हैं या फिर कहीं और, जैसे कि यहाँ पर और भी जो आर्ट आउटलेट्स लगे हैं वो अलग अलग जगह से भी यहाँ पर आकर इस स्टॉल को आउटलेट को लगाए हैं, तो आप बेसिकली यहीं से हैं या फिर कहीं और से आए हैं? मैम मैं जयपुर से ही, मतलब मैं यहीं से मेरा जन्म हुआ है तो मैं यहीं से ही। तो आप किस कॉलेज से यहाँ पर आए हैं? नो एक्चुअली आई एम ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, मैं BSc ग्रेजुएट हूँ, बट मेरा जो इंटरेस्ट था, मुझे जब पता चला कि मुझे आर्ट में जाना है, तो बस मैंने ये डायरेक्शन पकड़ी। एक्चुअली ये जो ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने और जो अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी आर्ट को एग्जीबिट करने की, तो ये एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा उत्सव होता है एक्चुअली, कि अपनी जो भी वो काम करता है उसको दिखाने का एक्सपीरियंस किया जाता है। तो यहाँ आने के बाद एक तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, जितनी भी स्टॉल्स हैं अलग अलग विधाओं में जो है यहाँ पेंटिंग्स अवेलेबल हैं, अलग अलग कलाकार अपनी विधाएँ दिखा रहे हैं, तो ये इसी के अनुरूप हमारा भी एक छोटा सा ये स्टॉल हमने यहाँ पे एग्जीबिट किया है, जिसमें चारकोल मेजरली और सॉफ्ट क्रिस्टल और ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे आर्ट में एग्जीबिट की हैं। ये हैं धर्मेंद्र जी जो सारा आर्ट करती हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, बहुत खुशी हो रही है। सर वैसे आप यहाँ पर आए हैं तो आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? हम लोग जयपुर से ही बिलोंग करते हैं लोकली और अपनी आर्ट को एग्जीबिट कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, आपने देखा कि कितना अच्छा यहाँ पर माहौल आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उसके साथ में आपको क्या रिव्यूज़, क्या वाइब्स आपको अलग से देखने को मिल रही है? ये एक दूसरे को जब देखते हैं, कलाकारों को जब देखते हैं, तो हम लोगों को भी एक अलग से मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे कि अपने कला को प्रदर्शित कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो वहाँ पर आके डिफरेंट पार्ट से लोग आएंगे और हम लोग हमारी आर्ट देखेंगे, तो एक प्रमोशन मोटिवेशन और फिर कुछ सर्वाइवल का भी इसमें जो है, जो भी लोग आएंगे तो दे कैन परचेज ऑल्सो, तो वो सब चीज़ें हैं। आपने आर्ट में जैसे सॉफ्ट क्रिस्टल का यूज़ किया और उसके साथ में आपने किस टाइप की जो आर्ट है उसको प्रमोट करने की कोशिश की है? पेंटिंग आप देखेंगे एक लाइवली इसमें लुक आता है एक्चुअली, कि जहाँ भी मतलब चाहे राजस्थान से रिलेटेड, हमने मैक्सिमम थीम जो रखी है वो राजस्थान बेस रखी है, बिकॉज हम लोग यहाँ से रिलेटेड हैं जयपुर से, राजस्थान से, तो ये हम लोग मेजरली हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं, तो यही अपील है। कोई भी पेंटिंग में ज़्यादा सिमिलैरिटीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, एंड इट्स अ यूनिक प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम यहाँ पे आके अपने आप को खुद को दिखा सकते हैं, हमारा जो भी टैलेंट है वी कैन शो इट बैक। तो जैसे कि आपको मालूम है कि 5वां कला महोत्सव है, तो इससे पहले भी आप यहाँ पर स्टॉल या आउटलेट लगा चुके हैं या फिर ये फर्स्ट टाइम है आपका? इससे पहले हो तो लगा चुके हैं ऑलरेडी हम लोग स्टॉल, बट दिस इज़ अ वेरी गुड दिस टाइम, बिकॉज आफ्टर लॉकडाउन आफ्टर कोरोना ये पहली ऐसी एग्जीबिशन है जो यहाँ पे शोकेस के लिए, सो इट्स वेरी पॉजिटिव मोटिवेशन फॉर ऑल द आर्टिस्ट।